आज हमारे साथ है गांडी विधानसभा के प्रभारी और केंद्रीय सचिव आदरणीय अर्जुन बैठा जी। आज मिलन समारोह भी था, मिलन समारोह में हमारे पुराने साथी आदिल आजिम जी अपने साथियों के साथ पार्टी ज्वाइन की, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन आज मुख्य रूप से पार्टी ने महाधिवेशन की तैयारी को लेकर पूरे प्रदेश में करीब करीब तैयारी पूरी कर ली है। 23 तारीख को विनोद बाबू, स्वर्गीय विनोद बाबू का 100वां वर्षगांठ है। 100वें वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश में 100 सभाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। 100 सभा सभी विधानसभाओं में होगा, नगर क्षेत्र में होगा, सब डिवीजन क्षेत्र में होगा। 100 सभा आयोजित करेंगे और उनके द्वारा बताए गए पढ़ो और लड़ो के संकल्प को भी दोहराएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी, क्योंकि 3 दिन का महाधिवेशन ऐतिहासिक महाधिवेशन होगा। इस महाधिवेशन में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के सभी बृहत झारखंड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सभी गांव से एक महिला और एक पुरुष प्रतिनिधि डेलीगेट्स के रूप में इसमें भाग लेंगे। डेलीगेट्स का रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करा रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन करेंगे, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करेंगे। केंद्रीय महाधिवेशन का उद्घाटन सत्र 29 को होगा। उसी दिन झारखंड आंदोलन के जो हमारे अगुआ साथी रहे हैं, जो आजसू के पुराने नेता रहे, जिन्होंने आजसू गठन के बाद आंदोलन को नेतृत्व दिया, लड़ाई लड़ी, जेल गए, लाठी खाए, झारखंड के विषय को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, जिनके बदौलत वार्ता का दरवाजा खुला और झारखंड विषयक समिति बनी और आज झारखंड मूर्त रूप लिया है, हम उन सभी अगुआ साथी को सम्मानित करेंगे। उद्घाटन सत्र में पहले हम आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हम जो साथी हमारे साथ नहीं है, जिन्होंने नेतृत्व दिया था, उनके प्रति मौन श्रद्धा से मन अर्पित करेंगे। साथ ही साथ पहली बार ऐसा है जब महाधिवेशन में विदेश, देश, राज्य और गांव से लेके सभी जगह के सभी तबके के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित कर सके, ऐसा प्रावधान हम लोगों ने किया है। विदेशों से भी जो झारखंड पर रुचि रखते हैं, झारखंड की बेहतरी चाहते हैं, हमारे 9 विषय होंगे। 9 विषय पर अलग अलग विषय पर अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अपनी बातों को रखेंगे, अलग अलग लोग उस पर विचार देंगे और उसमें एक कॉमन बातें जब आएगी उसको हम अंतिम दिन, जिस दिन हम प्रस्ताव पारित करेंगे, रेजुलेशंस लेंगे। खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।